प्रोडक्टिविटी एक रेशियो है, आउटपुट बाय इनपुट। इस रेशियो में जरूरी है कि हम इनपुट्स को कम करें, आउटपुट्स को बढ़ाएं। मतलब सेल हमारी बढ़े, प्रॉफिट्स हमारे बढ़े। अगर मैं कहीं काम कर रहा हूं तो मेरी सैलरी, मेरी इनकम बढ़े, मेरे जो खर्चे हैं वो कम हो। एक मशीन का आउटपुट एक उसके डिज़ाइन पे है। जितना आउटपुट अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है मशीन ने, तो हमें पता है कि वो 100 कर देगा। हम ह्यूमन बीइंग्स, बहुत ज़्यादा आउटपुट भी हमारा हो सकता है और हमारा आउटपुट कम भी हो सकता है। 8-9 घंटे लोग काम करते हैं, अगर 100 आदमी होते हैं, 800-900 घंटे रोज वो काम करते हैं, वो इनपुट हो गया। जो ऑर्गेनाइजेशन उनको सैलरीज दे रही है वो भी एक तरह से इनपुट है। जो कस्टमर्स को जो गुड्स दे रहे हैं, जो सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे आउटपुट हैं, वो बढ़ने चाहिए। दूसरा, हमारा आउटपुट बढ़ेगा अगर हम वेस्टेज को कम करें, जो हमारी टाइम वेस्टेज होती है। अप्रूवल सिस्टम मैंने देखे बहुत सारे कंपनीज में, अप्रूवल सिस्टम, लोग वेट कर रहे हैं जी अप्रूवल आएगा बॉस का तब हम आगे बढ़ेंगे। थोड़े से टूल्स में इन्वेस्ट करके, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके, वही काम अच्छी तरह से और कम प्राइस पे करवा सकता हूँ। जो फॉर्मूला जो वर्ल्ड में चलता है, 1/2 × 2 × 3, अगर हम 10 लोगों से एक काम करवा रहे हैं तो उसको आधा कैसे कर दें? 1/2 मतलब उनको डबल सैलरी कैसे दें हम, और 1/3 उनका आउटपुट 3 गुना कैसे करें? एक्स तो वो घर ले गए सैलरी में, एक्स ले गए, बाकी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हैं, रेंट हो गया, किराया हो गया हमारा, बिजली पानी का जो खर्चा है, वो सारे मान लीजिए एक्स हो गए। तो कम से कम जितना वो घर लेके जा रहे हैं उतना तो दें। एक अच्छी कंपनी की प्रोडक्टिविटी 3x होती है। हमारी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो बाहर दुनिया में काम करती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वो 5x पे काम करती हैं। लोग अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं अपने लीडर्स की वजह से, तो उसका कुछ करना चाहिए हमें। लीडर अगर हमारा टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब पॉइजन के इंजेक्शन दिए जा रहा है, जो हम बात करते हैं उससे किसी को प्रॉब्लम हो, उसकी मोटिवेशन कम हो, उसकी वजह से भी हमारी आउटपुट कम हो जाती है। स्ट्रक्चर सही नहीं, हमारे पॉलिसीज सही नहीं है, पीपल थिंक वी आर नॉट अ फेयर कंपनी, गौर करिएगा इस पे। उनको जो स्किल्स चाहिए, जो कॉम्पिटेंस चाहिए, वो बहुत सही हो। कॉम्पिटेंस नहीं है तो लर्निंग और डेवलपमेंट में फोकस किया जाए। लोगों का बहुत कमिटमेंट हो कि हम काम को आगे बढ़ाएं, और कॉम्पिटेंस, वो काम करने की एबिलिटी को हमेशा बढ़ाते रहें, तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा। आजकल अब देखिए कौन सी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन को देखिए, दे हैव कैप्चर्ड द एंटायर वर्ल्ड मार्केट इन रिटेल। कैसे किया उन्होंने? अपने सिस्टम को बहुत एफिशिएंट बना के, कम लोगों से ज़्यादा काम लेते हैं वो। कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करना है, हर बिजनेस को अमेजोन वाला एक्सपीरियंस कैसे दिया जाए। प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़रूरी हैं। हम किससे मेजर कर रहे हैं? मैं अपनी कंपनी को अगर अमेजोन से मेजर करूं, तब हुई ना बात। अब विराट कोहली अपने आप को किससे मेजर करें? सचिन तेंदुलकर, ब्रैडमैन या मेरे से क्रिकेट में? ये है प्रोडक्टिविटी का गेम।